आज है 10 जून 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में अब निजी विश्वविद्यालयों को लेकर बदलने वाले हैं नियम। नई व्यवस्था में ये होगा, निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजेस में मनमाने प्रवेश पर लगाम लगाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव को निर्देश जारी किए कि निजी विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन करें, सीट के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या अपडेट करें और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन करें। 6 जुलाई तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे कई मार्ग। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट निर्माण के चलते कई लंबे समय से एमपी नगर क्षेत्र में कई मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। आमजन की सुरक्षा को लेकर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक डीबी सिटी के पास मेट्रो ट्रेन स्टेशन के निर्माण काम के लिए गार्डा लॉन्चिंग के दौरान डीबी सिटी तिराहे से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक रास्ता बंद किया गया। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके इसके लिए निर्माण कार्य के दौरान रात के समय 6 जुलाई 2023 तक मार्ग परिवर्तित रहेंगे। 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में आ जाएंगे 1,000 रुपए। प्रदेश के 1.25 लाख लाडली बहनों के बैंक खाते में सरकार आज शनिवार को 1,000 रुपया जमा कराएगी। जबलपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक क्लिक से राशि अंतरित करेंगे। विभिन्न जिलों ने इस मौके को यादगार बनाने की तैयारी कर ली। दतिया जिला प्रशासन ने इसे आनंद उत्सव का नाम दिया है। गुणवत्ता बनी रहे इसलिए कोल्ड स्टोरेज में रखे जा रहे मिर्च, दाल, लौंग, इलायची। कोल्ड स्टोरेज में अभी तक आलू का भंडारण करके लंबे समय के लिए संरक्षित करके रखा जाता था, लेकिन 4 से 5 वर्षों में दाल व किराना सामान को भी कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। दालों में चना, मूंग, उड़द के अलावा किराना सामान में मिर्च, गुड़, धनिया, पिंड खजूर, इमली, लौंग, इलायची, काजू व बादाम भी 5 से 10 डिग्री के तापमान पर रखे जा रहे हैं। इन्हें साधारण गोदाम के बजाय कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है ताकि उसकी सुगंध, रंग व क्वालिटी बरकरार रहे। बिजनेस रेगुलेटरी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पेपर निरस्त, दोबारा होगी परीक्षा। बीकॉम फर्स्ट ईयर के 2 पेपर लीक हुए थे। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने दोनों विषय की परीक्षा को निरस्त कर दिया। समिति की रिपोर्ट पर कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने फैसला लेते हुए बीकॉम के दोनों विषय की परीक्षा को शून्य कर दिया। अब विद्यार्थियों को दोबारा इन विषयों की परीक्षा देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की है। तनाव कम करने 280 नए ड्राइवर्स की भर्ती करेगा रेलवे। पदों की भर्ती की जिम्मेदारी वेस्ट रेलवे सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल को दी गई है। पमरे ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। ट्रेन का संचालन करने वाले ड्राइवर के तनाव को दूर करने के लिए रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है। ड्राइवर्स के परिजन की काउंसलिंग करने के बाद अब वो रिक्त पदों की भर्ती करने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर भोपाल कोटा रेल मंडल में असिस्टेंट लोको पायलट के 280 पदों को भरेगा। ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के उत्पादन में एमपी ने बाजी मारी। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग की बंपर पैदावार हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसानों की पंजीयन संख्या बढ़ी है। दूसरी ओर मूंग बोने का हेक्टेयर रकबा भी बढ़ा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 31 जिलों के अंदर इस वर्ष लगभग 2,75,664 किसानों ने 7,58,605 हेक्टेयर में मूंग की फसल का पंजीयन कराया। पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक रकबे में मूंग की फसल किसानों ने बोई है। उन्होंने बताया कि किसान 1 हेक्टेयर में 1 लाख की फसल ले रहा है। विश्व में मशहूर पन्ना के हीरो को मिलेगा जीआई टैग, आवेदन हुआ स्वीकृत। बेशकीमती रत्न हीरे की खदानों के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की धरती से निकलने वाले हीरो को जीआई टैग मिलेगा। इसके लिए आवेदन स्वीकृत हो गया है। जल्दी ही पन्ना की रत्न गर्भा धरती से निकलने वाले हीरो को जीआई टैग मिल जाएगा। हीरा अधिकारी पन्ना रवि पटेल ने बताया कि जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरो की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू बढ़ेगी। इसकी खूबी बताते हुए श्री पटेल ने कहा कि जीआई यानी भौगोलिक संकेत एक प्रतीक है। हिजाब से लेकर केरल स्टोरी पर बयानबाजी करने वाले कांग्रेस के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अब चुप क्यों हैं? भाजपा का करारा पलटवार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल की जांच के मामले में शिवराज सरकार पर निशाना साधा तो गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने कभी साक्षी या श्रद्धा के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला, अब दमोह पर बड़ी बड़ी बात कर रही है, ये जिहादी मानसिकता है। मध्य प्रदेश में मतांतरण का कोई भी कुचक्र नहीं चलने देंगे। उड़ीसा हादसे से सबक, जबलपुर में रेल दुर्घटना रोकने के लिए पटरियों से लेकर सिग्नल तक का हो रहा ऑडिट। उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना से सबक लेते हुए पश्चिम मध्य रेलवे जोन सतर्क हो गया है। ट्रेन के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे ने पटरियों से लेकर सिग्नल और पॉइंट का ऑडिट शुरू किया। पटरियों की सुरक्षा में तैनात ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, चाबीमैन, गेटमैन की समस्या सुनने और उनका समाधान करने के लिए रेल अधिकारी फील्ड पर निकल रहे हैं। जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेकशील भी संरक्षा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की काउंसलिंग कर रहे हैं।
स्कूल में मिला मस्जिद जाने का खुफिया रास्ता। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण और टेरर फंडिंग के आरोप के बाद अब स्कूल के भीतर से मस्जिद तक खुफिया रास्ता के होने की बात सामने आई। बाल कल्याण आयोग ने मामले की जानकारी सरकार और प्रशासन को दी। जानकारी के मुताबिक स्कूल बिल्डिंग से लगा हुआ एक गुफानुमा रास्ता है जो मस्जिद तक जाता है। आरोप है कि इसी रास्ते से स्कूल के अंदर से बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए ले जाया जाता था। एमपी पॉलिटेक्निक में 10वीं के मार्क्स से भी होंगे दाखिले, इंजीनियरिंग डिप्लोमा का मौका। मध्य प्रदेश में इस साल भी प्री पॉलिटेक्निक परीक्षा नहीं होगी। एमपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग समेत विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज में 10वीं के परीक्षा के अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। सत्र 2023-24 में 10वीं के मेरिट पर नामांकन लिया जाएगा। 10वीं में मैथ्स और साइंस विषय पढ़ा होना जरूरी है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड पहले हर साल पीपीटी कराता था, लेकिन कोरोना के बाद से पीपीटी नहीं हुई। अब आर्ट्स और कॉमर्स वालों को भी मिलेगी बैचलर ऑफ साइंस बीएस की डिग्री। यूजीसी जल्द करेगा प्लान। नई शिक्षा नीति के मद्देनजर देश का उच्च शिक्षा नियामक यूजीसी अब नए नए नामों से कॉलेज डिग्री देगा। अब आर्ट्स ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट और कॉमर्स स्ट्रीम से बैचलर ऑफ साइंस डिग्री कोर्स कर सकेंगे। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस विषयों से ग्रेजुएशन करने वालों को बी और साइंस विषयों से ग्रेजुएशन करने वालों को बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री देता है। डिग्री के नामों की समीक्षा करने के लिए यूजीसी द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है कि 4 वर्षीय ऑनर्स कोर्स को बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के तौर पर पेश किया जा सकता है। एमपी के कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, डी और मानदेय में वृद्धि संभव। एमपी के सरकारी कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। चुनावी साल में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि कर सकती है। इसमें लाखों कर्मचारियों के साथ हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर की बात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की। इस बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम एचआरएच प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश में संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी और हज के लिए उनके समर्थन की सराहना की। पैन आधार को लिंक करने के डेडलाइन में बचे हैं कुछ ही दिन। अगर आपने अपने पैन को अब तक आधार से लिंक नहीं किया तो डेडलाइन के बाद आपका बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून है। पैन कार्ड धारकों को आयकर विभाग चेतावनी दे चुका है कि वो पैन को आधार से तत्काल लिंक कर लें, नहीं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 1 जुलाई 2023 के बाद निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर ₹10,000 जुर्माने का प्रावधान भी है। बीएससी नर्सिंग छात्रों को मिला जूनियर डॉक्टर का दर्जा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बीएससी नर्सिंग छात्रों को जूनियर नर्सिंग ऑफिसर और जूनियर डॉक्टर के बराबर का दर्जा दिया। पीआईबी ने इस नोटिफिकेशन को फर्जी करार दिया। साथ ही ब्यूरो ने कहा कि काउंसिल ने इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। रिलीज से पहले विवादों में गदर 2, डायरेक्टर ने दी सफाई। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई। फिल्म के एक सीन का वीडियो वायरल हुआ जिसमें अमीषा और सनी गुरुद्वारे में रोमांस करते नजर आ रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि अब फिल्म के डायरेक्टर अनिल ने माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम धार्मिक भावना का सम्मान करते हैं, हमारा काम एक जिम्मेदार और सम्मानजनक तरीके से होगा। लैपटॉप और मोबाइल पर घंटों काम, हड्डियों को बना रहा बूढ़ा, नतीजा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ऑफिस पर घंटों लैपटॉप पर सर झुकाकर काम, घर पर मोबाइल या टैबलेट पर वेब सीरीज और मूवी देखना, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सहित इंटरनेट मीडिया पर घंटों सफरिंग, हर किसी को यही लाइफ है। अब चाहे बात किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी की हो, किसी कारोबारी की या फिर स्टूडेंट्स की, या आते लोगों की हड्डियों को उम्र से पहले बूढ़ा कर रही है। यही वजह है कि 60 की उम्र के बाद होने वाली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी अब 18 वर्ष के बाद के युवाओं में देखने को मिल रही है। हर किसी की जबान आजकल एक शब्द कॉमन है, सर्वाइकल पेन, जिससे हर कोई परेशान है। पहले तो इसे सामान्य समझकर इग्नोर करते हैं, बाद में जब यह गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तो डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। इंदौर में 10 दिन देरी से 25 जून तक पहुंचेगा मॉनसून। इस बार मॉनसून में केरल में एक सप्ताह देरी से दस्तक दी है। इसका असर इंदौर पर भी पड़ा। इंदौर में 15 जून तक पहुंचने वाला मॉनसून इस बार 25 जून तक पहुंचेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस बार इंदौर में 35 इंच से ज्यादा बारिश के आसार हैं। इधर शुक्रवार सुबह से इंदौर में सूरज के तीखे तेवर नजर आए। दिन के साथ अब रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
देश में तैयार होंगे 50 नए मेडिकल कॉलेज, 1 लाख के पार होंगी अब MBBS की सीट्स। देश में आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीट्स में बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्र सरकार ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें 30 सरकारी और 20 प्राइवेट कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। साथ ही मौजूदा कॉलेजेस में करीब 2000 सीट्स को जोड़ने का फैसला किया जिससे अब देश में MBBS सीट्स की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। टाउन हॉल के सामने रहेगा नो व्हीकल जोन। महाराजा बाड़ा स्थित टाउन हॉल के पास सड़क खोद दी गई, आधी से ज्यादा सड़क खोद दी गई, इसके चलते अब यहां ट्रैफिक जाम लगने वाला है। यहां दिन भर गाड़ियां फंसती रहती हैं। यही वजह है कि अब टाउन हॉल के सामने नोवी का जोन रहेगा। गांधी गुलंबर से जिन वाहनों को टाउन हॉल से होते हुए माधोगंज की तरफ जाना होगा वो वाहन डायवर्ट होंगे। अब वाहन चालकों को सराफा बाजार से पारक जी का बाड़ा होते हुए दौलतगंज से घूमकर आना होगा। शुक्रवार सुबह से ही ये व्यवस्था लागू हो गई। सृष्टि के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत, विधायक ने घर जाकर सौंपा स्वीकृति पत्र। सीहोर जिले के बड़ी मुंगावली में खुले बोरवेल में गिरी बच्ची सृष्टि को तमाम कोशिशों के बाद 52 घंटे बाद बोर से निकाला लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब सृष्टि के परिजनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से 4 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। विधायक सुदेश राय बच्ची के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और सहायता राशि का चेक सौंपा। कृषि मंत्री का कमलनाथ पर तीखा हमला। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह नेता ने सही कहा कि कमलनाथ 80 साल से ऊपर हो गए हैं, बुढ़ापे में सठिया गए हैं, निश्चित रूप से वो चुनाव हारेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं, हमने वहां जनता को जागरूक किया है कि ठगनाथ ने जनता को ठगा है। कृषि मंत्री ने कमलनाथ के करीबी नेताओं पर नेता प्रतिपक्ष को डराने और धमकाने के आरोप लगाए। मध्यप्रदेश से है शिवरंजनी तिवारी का गहरा नाता, मेडिकल की छात्रा के भजनों के दीवाने हैं लोग। मेडिकल छात्रा शिवरंजनी तिवारी इन दिनों बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नाम जुड़ने के चलते सुर्खियों में है। शिवरंजनी इन दिनों गंगा जल लेकर गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की पैदल यात्रा कर रही हैं। वो किस उद्देश्य को लेकर ये पैदल यात्रा कर रही हैं इसकी जानकारी तो फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर वहां से लाइव के जरिए अपने उद्देश्य और मनोकामना की जानकारी को साझा करने की बात कही। वहीं लोग शिवरंजनी के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ संबोधित करने और उनकी पदयात्रा को धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने को लेकर जोड़ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।